हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे से। और आज ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने क्योंकि शिल्पू आज काम कर रही है और मुझे फ्री छोड़ दिया गया है, इसलिए अभी हम शिल्पू से मिलाते हैं आपको। ये देखिए क्लिनिक, ये हो गई है सभी कमरों की सफाई एकदम चकाचक। ये देखिए, ये है हमारा कमरा, बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये सोनम का कमरा कर दिया है एकदम साफ। ये अभी अलका आ रही है तो अलका का कमरा थोड़ा सा रह गया है, लेकिन सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब हो गया है। बस बेडशीट रह गई है उसकी बिछने के लिए, वो भी आकर बिछा देगी। और ये रही शिल्पू, शिल्पू धो रही है कपड़े, बाथरूम में पहुंच चुकी है और सफाई चल रही है। आज कपड़े भी धो लिए हैं और सफाई भी इसी ने करी है, सारी झाड़ू पोछा सारा सब कुछ इसी ने किया। आज मन कराया है कपड़े धोने का, वैसे तो कपड़े यही धोती है, कभी दो तीन दिन से हम धो रहे थे, लेकिन अब वैसे धोती है ये कपड़े। हाँ, दो तीन दिन धोए हैं हमने, ऐसा मत बोलो, परसों दो तीन दिन से धो रहे हैं हम, आप नहीं धोए हैं, वैसे तो तू ही धोती है। करेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे, आज हम एक पार्टी में भी जाएंगे, वहां पर भी आपको मिलवाएंगे सबसे। ये आ रही है अलका, और आज पहनी है अलका ने नई साड़ी। बताइए आप लोग कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग कमेंट द्वारा बताना। और आर को लेकर आने वाली थी नहलाने के लिए, लेकिन वो गुड़िया दीदी के पास चला गया है, बाथरूम में घुस गया है, आ नहीं रहा है। वैसे तो लाती है आर को नहलाने के लिए, लेकिन नहलाती इनकी बुआ है। अब आईब्रो सेट कराने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है 6:15 और हमें जाना है 7:15 या 7:30 पे। वो फंक्शन में हमारी सिस्टर है, उसके यहाँ एक फंक्शन है छोटा मोटा, उसके यहाँ एक बेबी हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी, उसके अकॉर्ड उसके उसमें फंक्शन रखा गया है, तो हम लोग वहीं जाएंगे। और ये रही अलका, और ये रही आर, और ये की मम्मी देखा, देख कर छुट्टी कर देती। अच्छा, तब फ्री बैठे तब तो देख लिया करो यार। अच्छा, ये रही अंजलि, पार्लर पे आ गए हैं हम आईब्रोस बनवाने के लिए। मेरा मेरा बच्चा 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 आएगा, लो गाय चलो आज, ये नहीं करता कुछ भी। हाँ, काइन मास्टर में, काइन मास्टर से फिर ये इकट्ठा करके फिर तब लो। हाँ, कटिंग करते हैं जो कुछ भी है। हाँ, जा रहे हैं रेडी। और ये हमने पहन लिया है अपनी कुर्ती, ये है हमारी बीवा की कुर्ती। और आप लोग बताना जरूर कि कैसी लग रही है, थोड़ी सी पेट में टाइट है। अब हम करेंगे वर्कआउट कुछ दिनों बाद, यानी कि 23 के बाद फिर मिलेंगे आपसे पतले होने के बाद, ठीक है। ड्रेस अच्छी नहीं लगी तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया है ड्रेस को, और वो पुरानी जो ड्रेस पहले पहनी थी, मेरे पुराने वीडियोज अगर देखे हैं तो उसमें जो पहनी थी वही मैंने आज वेयर किया। ये ऑरेलिया की मिडी है, बहुत ही प्यारा है, फैब्रिक है बहुत ही सुंदर, इसका जो पहनने का जो स्टाइल है वो बहुत बहुत अच्छा है। मिडी का फाइनल लुक देख लीजिए, काली जीन्स और ब्लू टी शर्ट। आज हम लोग सब एक सब मैचिंग मैचिंग बन गए हैं, गलती से सही लेकिन बहुत अच्छा हो गया है। और अलका ने भी ब्लू पहन लिया है, तो काफी सुंदर से लग रहे हैं हम सब लोग। बताना जरूर कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। हमारे आर, और ये रही बंटी, और ये आ रहे हैं हमारे मोटे, जिनसे कि आप पहले मिल चुके हैं। हम देखे आवाज खुद है रूम में, खुश रहो बेटा। तुम कैसे आई? हम लोग फोटो में ठीक हो तुम? हम लोग कमजोरी के मारे है जिंदगी में, कम पनपे ना है। सिस्टर का बेटा यानी कि मेरा मेरा भी बेटा ही है, और ये बैठी हुई है मेरी बहन साइड से, और इसके देवरानी के जो बच्चा हुआ है उसी के फंक्शन में हम लोग आए हुए हैं। उसका भी बेटा
अभी मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि वो अभी इस समय अंदर रूम में है, एक साथ इन दोनों बच्चों को रखा नहीं जाता है। और इसके एक बेटा भी है जो कि देखिए उसकी गर्दन पर झूल रहा है, ब्लू कलर की साड़ी में बैठा हुआ है। उसके बराबर मेरी चाची बैठी हुई है। जी हमारा है जाओ यहाँ से, जी हमारा है। नहीं लेगा नहीं लेगा, भाई है उसका ये, इसलिए लेगा। ये है मेरी सिस्टर और ये उसके पास में खड़ी हुई है उसकी सासू माँ येलो साड़ी में। ये देखिए ये रही इनकी सासू माँ। और ये देखिए लड़ाई हो रही है इन बच्चों की। मेरा बाबू है कि ये तेरा बाबू है यार, दे नहीं रहे हैं इस बाबू को, कह रहे हम ले जाएंगे। हाँ लेके चलेंगे, चुप हो जाओ। हम सब लोग खाएंगे अब खाना, लगने जा रही है हमारी पत्तल। और ये खा रहे हैं मेरे चाचा खाना, ये बैठे हुए मेरे चाचा। और ये दूध से जो ब्लू कलर के बगल में बैठे हुए हैं बूढ़े बूढ़े से, वो मेरी बहन के ससुर जी हैं ब्लू शर्ट वालों के बगल में। तो और ये मेरी बहन है, ये मेरे चाचा का बेटा। ये आ गया हमारा खाना और इसमें खाने मटर पनीर, कद्दू की सब्जी, पुलाव, कचौड़ी, पूड़ी और सूखी सब्जी और रायता। बहुत अच्छा सा यम्मी खाना बना था और रसगुल्ला मिठाई में। और मैं खा रही हूँ खाना, आप लोग भी मेरे साथ आ सकते हैं खाना खाने के लिए। प्लीज़ 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 सभी लोग इनवाइटेड है, आ जाइए मेरी बहन के यहाँ फंक्शन में सभी लोग। ये देखिए अब सब लोग निकल आए, हम और हमारी कलका। जल्द भाग भाग के क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ। उधर बहुत गर्मी लग रही है और मैं अब सुलाने लगी हूँ अपने लड्डू गोपाल को। और इसी के साथ मैं ब्लॉग का कर रही हूँ एंड। फिर भी अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।